वेलकम टू एनके क्लासेस। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि हम एसएफडी एंड बीएमडी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और हमने छोटा सा एक एग्जांपल लिया था जिससे हम साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ सके। आज हम उसका एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं, जिसमें हमने दो लोड लगाए। ये हमारे पास ए बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसमें हमने दो लोड्स लगाए। एक है आपका 3 किलो न्यूटन का, जो कि है 2 मीटर फ्रॉम ए, ए से 2 मीटर की दूरी पर, और एक लगाया हमने 6 किलो न्यूटन, जो कि आपका 4 मीटर है ए से। टोटल जो बीम की लेंथ है वो कितनी है आपकी, 6 मीटर। सो हमको इसमें एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करना है। सो जो हमारी फर्स्ट स्टेप होती है एसएफडी और बीएमडी की, वो क्या होती है, रिएक्शंस फाइंड करने की। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट आर ए एंड आर बी बी द रिएक्शन, एट ए एंड बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, ए एंड बी पे रिएक्शंस ले लेंगे आर ए एंड आर बी, और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है कि जो आर ए और आर बी है आपका, उन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, जितना भी आपका डाउनवर्ड लोड आ रहा है उनका। तो आर ए प्लस आर बी क्या लिख सकते हैं हम, 3 प्लस 6। सो ये कितना हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी आपका 9 किलो न्यूटन। सो ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ अब हम क्या करते हैं, मोमेंट ले लेते हैं ए के अबाउट, क्योंकि हमारा जो मोमेंट है ए पर वो कितना है, 0 है। सो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए वी गेट, सो ए में इक्वल्स टू हम क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। सो ए पे हमने मोमेंट लिया, तो ए पे मोमेंट कितना आएगा गाइस, देखिए इधर, आर बी इंटू 6, और आर बी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो रिएक्शन है हम मोमेंट के केस में क्या लेते हैं उसको, पॉजिटिव। माइनस यहां से जब हम आगे आए तो हमको क्या मिला, 6 किलो न्यूटन का लोड मिला। तो माइनस 6 इंटू, इसकी डिस्टेंस ए से ले रहे हैं हम मोमेंट, तो डिस्टेंस भी कहां से लेंगे हम, ए से। सो ए से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4, 2 प्लस 2, तो ए से डिस्टेंस कितनी हो गई गाइस उसकी, 4। अब और आगे आया तो हमको 3 किलो न्यूटन का लोड दिखा, तो माइनस 3 इंटू, यहां से उसकी डिस्टेंस कितनी है गाइस ए से, 2, तो 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अगर हम इसको सोल्व करें तो यह आ जाएगा माइनस 6 आर बी माइनस 24 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 6 आर बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, 30। सो आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइज हमारे पास, 5 किलो न्यूटन। अब ये जो आर बी की वैल्यू है हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ वी गेट आर ए इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5। सो आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइज, 4 किलो न्यूटन, एंड आर बी हमारा कितना है, 5 किलो न्यूटन। सो सबसे पहले जब भी आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने हो बीम का, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्शंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन फाइंड करने की के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होती है। फर्स्ट जो होती है वो हम अपवर्ड लोड इक्वल्स टू डाउन लोड वर्ड कर देते हैं, और फिर दूसरी स्टेप जो है वो हमारी क्या है, मोमेंट 0 कर देते हैं किसी भी एंड पर। तो आप हमेशा ए एंड पर मोमेंट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो वहां पे हम मोमेंट लिख के, तो हमारे पास आरबी की वैल्यू आ जाएगी, वही आरबी की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास आर ए की वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब सबसे पहले हम शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। शियर फोर्स डायग्राम हमारा कैसे बनता है, सो शियर फोर्स डायग्राम, अब शियर फोर्स डायग्राम के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैक साइड से चलेंगे दूसरे सपोर्ट से, और जितनी भी शियर फोर्स, जितने भी हमको पॉइंट दे रखे हैं, उन सब पे हम क्या निकाल सकते हैं, शियर फोर्स निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले निकालेंगे हम बी पर, शियर फोर्स एट बी। तो शियर फोर्स एट बी पे आप देखेंगे गाइज, इधर देखिए, शियर फोर्स एट बी पे देखेंगे तो कौन सा फोर्स दिख रहा है, सिर्फ रिएक्शन। सो रिएक्शन है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस आर बी, क्यों, क्योंकि जो शियर फोर्स होता है वो रिएक्शन के कारण नेगेटिव होता है। तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस आरबी, और आरबी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 किलो न्यूटन। तो
तो ये हो जाएगा आपका शेयर फोर्स एट बी इज इक्वल्स टू माइनस आर बी माइनस 5 किलोन्यूटन। अब हम निकालेंगे शेयर फोर्स एट, अब सेकेंड कौन सा आ रहा है आपके पास, डी पॉइंट आ रहा है, तो डी पे निकालेंगे। अब डी पे जब निकालेंगे तो हमारे पास दो फोर्स आएंगे, एक रिएक्शन आएगा एक लोड आएगा, तो हम क्या करेंगे माइनस आर बी प्लस 6 कर देंगे। सो शेयर फोर्स एट डी कितना हो जाएगा गाइज आपका, माइनस आर बी प्लस 6 मीन्स माइनस 5 प्लस 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 किलो न्यूटन। तो शेयर फोर्स एट डी कितना हो गया गाइज 1 किलो न्यूटन। नाउ हम निकालेंगे शेयर फोर्स एट सी, क्योंकि जो अगला पॉइंट आएगा जब हम पीछे से चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सी आएगा। अब सी पे क्या क्या आ रहा है, आर बी आ रहा है, 6 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस आर बी प्लस 6 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका पास प्लस 9 और ये आ गया 4 किलो न्यूटन। अब जो आपका शेयर फोर्स एट ए है वो किसके इक्वल आना चाहिए, शेयर फोर्स एट सी, और वहां पे जो भी रिएक्शन आ रही है उसके इक्वल। तो आर ए कितना है आपका 4 किलो न्यूटन, मीन्स जो आपका शेयर फोर्स है ए पर वो किसके इक्वल आना चाहिए, जो रिएक्शन वहां पे लग रही है उसके इक्वल। तो यहाँ पे हमने चारों पॉइंट के लिए शेयर फोर्स निकाल लिया है, अब हम इजिली शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं हम कैसे बनेगा। सबसे पहले हम पॉइंट रिप्रेजेंट कर देंगे हमारे बीम पे, ए बी सी एंड डी, ये सबसे पहले आप क्या करेंगे बीम पे पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिए। अब बी पे आपका शियर फोर्स कितना है माइनस 5, तो माइनस 5 है तो इसको नीचे ड्रॉ करेंगे हम, तो ये हमारा हो गया माइनस 5। नाउ डी तक आपका कोई लोड नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन चलेगा। उसके बाद डी पे आपका शेयर फोर्स कितना है 1 किलो न्यूटन, सो यहाँ पे 1 और पॉजिटिव में तो वो ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका हो गया डी पर शेयर फोर्स। उसके बाद सी पर कोई लोड नहीं है सी तक, तो हम ऐसे ही चलेंगे स्ट्रेट लाइन में। अब आपका सी पे कितना है शेयर फोर्स 4 किलो न्यूटन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम 4 उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 4 किलो न्यूटन, ये हो गया हमारा 1 किलो न्यूटन, ये हो गया हमारा 5 किलो न्यूटन। और ए पे भी कितना है 4 किलो न्यूटन है, तो ये आ गया हमारे पास 4 किलो न्यूटन और ये इसको ज्वाइन कर देगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा गाइस शेयर फोर्स डायग्राम। बहुत इजी था, ये जो ऊपर की वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है और जो नीचे की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो इस तरीके से हम जो लोड से हमारे पास 2 लोड 3 लोड उनके कारण हम शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। नाउ हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम सारे पॉइंट्स पे क्या निकाल लेंगे मोमेंट निकाल लेंगे। अब हमको पता है कि ए एंड बी क्या है सपोर्ट से, तो सपोर्ट से मोमेंट कितना आता है 0, सो हमारे पास एम ए इज इक्वल्स टू एम बी कितना आ गया 0। तो ये हमेशा याद रखना सिंपली सपोर्ट पे जो मोमेंट होता है वो कितना होता है 0 होता है। तो अगर आपके पास दो सपोर्ट है तो एम ए इक्वल्स टू एम बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा गाइस 0 आ जाएगा। सो आपके पास बचे कितना, एक तो आपका डी पॉइंट बचा और एक आपका सी पॉइंट बचा। अब जब हम पीछे चलेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा डी पॉइंट आएगा, तो डी पे जब हम मूवमेंट निकालेंगे तो आर बी इंटू ये डिस्टेंस हो जाएगी और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 2 मीटर। सो एम डी हम कितना लिख सकते हैं मूवमेंट एट डी, वो लिख सकते हैं हम आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स 2। अब आर बी हम पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि हम मूवमेंट लिख रहे हैं, मूवमेंट में हम रिएक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। सो आर बी हमारे पास कितना है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 डेट इज 10 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया गाइस एम डी आ गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है एम सी, सो सी के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम आर बी इंटू ये डिस्टेंस माइनस 6 इंटू ये डिस्टेंस। माइनस क्यों लिख रहे हैं क्योंकि लोड को मोमेंट में नेगेटिव लेते हैं, सो ये आ जाएगा हमारे पास एम सी इज इक्वल्स टू आर बी इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2, सो ये आ जाएगा 4 माइनस 12 डेट इज 8 किलो न्यूटन मीटर। नाउ आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हम पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी एंड डी। अब सी पे आपका मोमेंट कितना है गाइस 8 किलो न्यूटन है, सो 8 यहाँ पे आ गया। और डी पे आपका मोमेंट कितना है 10 किलो न्यूटन है, तो ये आपका 10 किलो न्यूटन आ गया। अब हम क्या करेंगे इनको इंक्लाइन लाइन से जोड़ेंगे, क्योंकि हम क्या अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम जो लाइंस ज्वाइन करते हैं वो हम इंक्लाइन लाइन से ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज लिख देंगे।
और ये गाइज हमारा क्या बन गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस तरीके से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं सीरीज ऑफ लोड्स के कारण। यहाँ पे अभी हमने दो लोड कंसिडर करें, आप इसी एग्जाम्पल तीन लोड के कारण, चार लोड के कारण भी कर सकते हैं। प्रोसीजर यही रहेगा, सबसे पहले आपको रिएक्शन फाइंड करना है, रिएक्शन फाइंड करने के बाद हर पॉइंट पे आपको शियर फोर्स फाइंड करना है, फिर एसएफडी बनाना है, उसके बाद हर पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो सपोर्ट्स होते हैं वहां पे आपका जो मोमेंट होता है वो आपका क्या होता है, मोमेंट इज जीरो। सो ये आपको ध्यान रखना है कि जहां पे भी आपका सपोर्ट्स है वहां पे आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो कितना होगा, जीरो होगा। तो हम डायरेक्टली उनको लिख सकते हैं। सो गाइज ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने दो लोड कंसिडर करें। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम यूडीएल कंसिडर करते हैं, ताकि आप जब हम उसको सोल्व करें तो आपको उसमें भी कोई डाउट ना हो। सो आगे चलते हैं हम, जिसमें हम क्या करते हैं, एक यूडीएल कंसिडर करते हैं बीम पे। सो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो आपका यूडीएल है उसको हमको कन्वर्ट करना रहता है पॉइंट लोड में। सो एग्जाम्पल देखते हैं हमारा, एक हमारे पास ए बी बीम है, उसमें ए सी तक आपका क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है बीम की, 9 मीटर, और आपका जो यूडीएल लग रहा है वो कितने पे लग रहा है, 6 मीटर पे लग रहा है। सो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, यूडी रिएक्शन फाइंड कर लेंगे। अब रिएक्शन फाइंड करने के पहले हम जो आपका जो यूडीएल है उसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा जो पॉइंट लोड होगा वो कितना होगा, 10 × 6। देखिए जितना भी आपका यूडीएल रहता है वो कितने डिस्टेंस पे एक करता है, तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आपकी इंटेंसिटी रहती है इंटू जितने उस पे वो लग रहा है, 6 मीटर पे लग रहा है, तो वो हम इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 60 किलो न्यूटन। अब वो एक्ट कहाँ पे करेगा, तो मैंने बताया था जो भी यूडीएल करेगा उसके सेंटर पे, तो 6 मीटर पे लग रहा है तो 3 मीटर पे एक्ट करेगा, और कितने का हो जाएगा ये 6 किलो न्यूटन, तो ये 3 मीटर हो जाएगा, पूरा टोटल 9 था तो ये 6 मीटर हो जाएगा। सो इस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं, जो भी हमारा यूडीएल रहेगा उसको पॉइंट लोड में, तो इस तरीके से हम चेंज करेंगे, इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस कर देंगे, और कहाँ पे एक्ट करेगा वो उसके सेंटर पे, मीन्स अगर ये आपका सी पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर, तो 3 मीटर 3 मीटर। नाउ अब हमको पता है रिएक्शन हम फाइंड कर सकते हैं पॉइंट लोड के कारण, सो सबसे पहले हम रिएक्शन फाइंड करते हैं। सो हमको पता है कि आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा, 60, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, एंड मोमेंट अबाउट ए, सो एम ए कितना हो जाएगा, 0। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर बी इंटू, ये हमारा आर ए है, ये हमारा आर बी है, सो आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी, 9 माइनस फिर ये लोड आएगा 60, और ए से कितना डिस्टेंस पे, ये 3 डिस्टेंस पे, तो वो कितना हो जाएगा, 0। सो 9 आर बी इज इक्वल्स टू 180, सो आर बी इज इक्वल्स टू 180/9। जब आप इसको सोल्व करेंगे 180/9 को, तो ये आ जाएगा आपके पास 20 किलो न्यूटन। सो ये आपका क्या आया, आर बी आया। नाउ आर ए निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सो व्हाट द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन 1, सो आपका आर ए कितना जाएगा, 60 − 20, तो वो कितना आएगा, 14 किलो न्यूटन। तो सबसे पहले गाइज हम क्या करेंगे, रिएक्शन फाइंड कर लेंगे। अब हमको शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, सो शियर फोर्स में जितने भी आपके पॉइंट दे रखे हैं यहां पे हम क्या फाइंड करेंगे, शियर फोर्स फाइंड करेंगे। सो शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले पीछे से हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास बी पॉइंट आएगा, और शियर फोर्स एट बी कितना होता है, माइनस आर बी, तो माइनस आर बी कितना है आपके पास, 20 किलो न्यूटन। यहाँ पे देखिए 20 किलो न्यूटन है, तो यह आ जाएगा आपका −20 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स एट सी है, तो देखिए सी पे कोई भी लोड, यहां तक कोई भी लोड नहीं आ रहा है, तो सी पे भी कितना रहेगा आपका, −20 किलो न्यूटन। अब आप ए पे आएंगे, तो देखिए जब आप ए पे आएंगे तो ए पे आने के बाद आपको
कोई कितने का लोड मिलेगा 60 का, तो माइनस 20 प्लस 60 तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 किलो न्यूटन। तो अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट्स ए बी एंड सी, तो ये हमारे तीन पॉइंट्स है गाइस। अब यहां पे आपका कितना है 20 है, तो ये 20 हो जाएगा। सी तक आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो सी तक आपका कितना रहेगा 20 रहेगा। और ए पे कितना है आपका 40 है, तो ए पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। नाउ अब ये जो है ये आपका यूडीएल लग रहा है पूरे एसी सेक्शन पे, तो वो कैसे ज्वाइंट होगा आपका, किसे ज्वाइंट होगा आपका, इंक्लाइन लाइन से ज्वाइंट होगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा शियर फोर्स डायग्राम, जिसमें यहां पे कितना है वो 20 है और यहां पे कितना है वो 40 है। अब याद रखना ये वाला जो सेक्शन है ये आपका पॉजिटिव सेक्शन है, ये आपका जो सेक्शन है वो नेगेटिव सेक्शन है, और ये वाला कितना है 20 है। अब यहां पे जो आपका शियर फोर्स है वो कितना है आपका जीरो। सो नोट करने वाली चीज है कि जहां पे आपका शियर फोर्स जीरो आता है वहां पे आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम आता है। तो जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये इस पे हम क्या करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लेंगे। बट अभी हमको ये नहीं पता है कि ये कितना है, ये हमको पता है कि ये 6 मीटर है, और ये हम ले लेते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस पे है। तो अब x की वैल्यू हमको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स। सो बहुत इजी है, जब आपको x की वैल्यू फाइंड करना है तो हम सिमिलर ट्रेंगल लगा देंगे, तो हम उसमें क्या लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय ये कितना है 40 इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितनी है 20। तो ये हम लिख सकते हैं x माइनस डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 20। सिमिलर ट्रेंगल लगा दिया हमने, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 20x इज इक्वल्स टू 40 इंटू 6 माइनस 4x, तो ये आ गया 24x इज इक्वल्स टू 240। सो यहाँ पे कितना आ गया आपका 40 इंटू 6, ये 40 हो जाएगा आपका। सो ये 20x प्लस 40x इज इक्वल्स टू 240, तो ये आ गया आपका 60x इज इक्वल्स टू 240। सो x कितना आ जाएगा आपका 4 मीटर। सो x हमारे पास कितना आ गया 4 मीटर आ गया। a से x कितने डिस्टेंस पे 4 मीटर डिस्टेंस पे, तो ये वाला डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी। तो ये x हमारा आ गया 4 मीटर और 6 माइनस x कितना आ जाएगा हमारे पास 2 मीटर। नाउ अब हम बेंडिंग मोमेंट देख लेते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम सारे पॉइंट्स पे क्या मोमेंट निकाल लेंगे, तो सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं गाइस, डी नाम दे देते हैं। सो सबसे पहले एम ए इक्वल्स टू एम बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास एम सी है, तो सी पॉइंट पे देखिए कितना आएगा, जो आर बी है वो लगेगा इंटू वहां से वहां तक की डिस्टेंस, तो वहां से वहां तक की डिस्टेंस कितनी आपके पास 3 मीटर। ये देखिए यहाँ पे ये आपका आरबी है, आरबी से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है ये 3 मीटर है, तो आरबी इंटू कितना हो जाएगा वहां तक सी हो जाएगा, तो आरबी इंटू कितना हो गया ये 3 हो गया। और आरबी आपका कितना है 20 है, तो 20 इंटू कितना हो जाएगा ये 3, तो ये आइए आपके पास 60 किलो न्यूटन मीटर। नाउ अब जो है आपको ये देखना है कि हम डी पे कैसे फाइंड करेंगे। सो डी के लिए हम उसका अलग से यहां पे डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका डी पॉइंट है और ये आपका यूडीएल लग रहा है उतने सेक्शन पे 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, और कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है 2 मीटर पे, और ये हमारा कितना है 3 मीटर है। तो यहाँ पे बहुत समझना बहुत जरूरी है कि हम एमडी पे कैसे फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले हमने उसको अलग कर लिया हमारा जो बीम थी उससे, तो ये हमारे पास सेक्शन आ गया। नाउ अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका आरबी लग रहा है, इसको पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 20 किलो न्यूटन, और ये कितनी डिस्टेंस पे लगेगा 1 मीटर 1 मीटर पे लगेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 मीटर है, जब अभी हमने डिस्टेंस निकाली थी
तो उसमें फोर डिस्टेंस 4 मीटर आई थी, तो वो ए से आया था, तो इधर कितना बच गया 2 मीटर, तो 2 मीटर का हमने पॉइंट लोड कन्वर्ट कर लिया, तो वो हो गया 20, और वो एक कहाँ पे करेगा, सेंटर पे करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 मीटर 1 मीटर। नाउ अब हमको MD निकालना है, तो MD कितना होगा गाइस, RB इनटू टोटल डिस्टेंस, तो 3 + 2 मीन्स 5 - 20 इनटू ये डिस्टेंस इनटू 1, तो RB आपका 20 है, तो 20 × 5 - 20, तो ये आ गया आपके पास 100 - 20 मीन्स 80 किलो न्यूटन मीटर। तो आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो कितना आ गया आपके पास, 80 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि यहाँ पे आपका जो शेयर फोर्स है वो कितना है गाइस, 0 है। सो वापिस ये एक बार वापिस समझ लीजिए, यहाँ पे हमने क्या करा, हमको डी पॉइंट पे मोमेंट निकालना था, तो उसका हमने अलग से सेक्शन बना लिया, यहाँ पे आपका बी है, तो ये आपका आरबी लग रहा है, उसके बाद 10 इंटेंसिटी का लोड लग रहा था, और कितने पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है, तो सबसे पहले हमने उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हो जाएगा आपका 20 10 × 2, तो ये आपकी इंटेंसिटी आ गई यहाँ पर। उसके बाद हमको पता है कि वो लगता कहाँ पे, सेंटर पे लगता है, तो 1 मीटर और 1 मीटर, तो वो हमने क्या करा, उसको एक्ट करवा दिया 1 मीटर से डी से। अब हम एमडी पे मूवमेंट निकाल रहे हैं, तो डी पे मूवमेंट कैसे निकलेगा, आरबी इंटू ये पूरी डिस्टेंस, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, तो ये हमारा 5 आ गया, -20 × 1, क्योंकि हम डी पे पॉइंट निकाल रहे हैं, तो जितने भी लोड है सबको कंसिडर करेंगे। अब रिएक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं मोमेंट के केस में, और लोड को हम नेगेटिव लेते हैं, इसलिए आरबी प्लस में लिखा है और लोड माइनस में लिखा है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। नाउ अब हम इसके लिए क्या बना लेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले हम पॉइंट लोकेट कर देंगे, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये सी, और यहाँ पे ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे कितना आया, अब यहाँ पे आपका 80 है, और यहाँ पे आपका कितना आई है, 60 है। अब एक चीज याद रखना, ये आपका UDL है, तो यहाँ पे ये क्या है, 2 डिग्री कर्व से जुड़ेगा, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन नहीं करके कैसे जोड़ेंगे, इसको हम 2D कर्व से जोड़ेंगे, और यहाँ पे आपका UDL नहीं है, तो वो कैसे जुड़ेगा, वो इंक्लाइन जुड़ेगा, तो ये बनता है डायग्राम, और ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका, BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हमने आज देखा कि हम लोड के लिए और UDL के लिए मीन्स पॉइंट लोड के लिए SFD और BMD कैसे बनाते हैं, और UDL के लिए हम SFD एंड BMD कैसे ड्रॉ करते हैं। सो गाइस क्लियर हुआ आपको कि हम किस तरीके से UDL और पॉइंट लोड के कारण SFD एंड BMD बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और एग्जांपल करेंगे, और हम मूवमेंट के कारण भी देखेंगे कि जब बीम पे मूवमेंट लगता है तो उसके कारण SFD और BMD कैसे ड्रॉ करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल NK क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।